पंजाब की तर्ज पर जहां हिमाचल प्रदेश में लगातार नशा माफिया पैर पसार रहा है, वहीं नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा युवा पीढ़ी को नशे के बचाव हेतु स्कूल स्तर पर मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत बस्सी बटालियन के कमांडेंट आईपीएस अधिकारी गुरुदेव शर्मा ने जिला बिलासपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरसू में स्कूली बच्चों को जागरूक किया। नशे के दुष्परिणामों के बारे में, नशे के बचाव हेतु और ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया गया। हालांकि कमांडेंट पुलिस बटालियन गुरुदेव शर्मा इसी स्कूल के छात्र भी रहे हैं, जिससे उनके कार्यक्रम के दौरान बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। प्रिंसिपल तेजेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित आईपीएस पुलिस अधिकारी गुरुदेव शर्मा के स्कूल में आने से जहां पर बच्चे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वहीं उनके आने से युवाओं में प्रेरणा भी मिली है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके उच्च पदों पर देश और प्रदेश की सेवा कर सकते हैं। श्री गुरुदेव शर्मा जी एसपी 5वीं आईआरबी बटालियन बस्सी जो स्कूल में पधारे, उनके स्कूल में आने से जो है वो बच्चों में एक नए उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ। शर्मा जी जो है इसी स्कूल से पढ़े हैं, इसलिए आज उनके आने से बच्चों में एक जो है वो उम्मीद जागी कि जब ये भी यहाँ से पढ़ के एक उच्च पद के आसीन हो सकते हैं तो हम भी जिंदगी में जो है वो अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा जो है वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कल हमारे स्कूल में गुरुदेव सर आए और वे भी इसी स्कूल में पढ़े हैं और वे इसी ऊँचे पद पर बैठे हैं, तो हमें हमारे मन में भी एक इच्छा जागृत हुई कि हम भी ऐसे ही उनकी तरह अपनी देश की रक्षा करने में सफल हों, और मैं भी यही प्रण लेती हूँ कि मैं भी उनकी तरह अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। जबकि पुलिस कमांडेंट गुरुदेव शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, उसी कड़ी में पुलिस विभाग के द्वारा भी स्कूलों में बच्चों को नशे के खिलाफ और ट्रैफिक नियमों के बारे में व्यापक जानकारी दी जाती है, और उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरसू में बच्चों को जागरूक किया है। मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरसू का विजिट किया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है और यहाँ पे हमने बच्चों को जो है पुलिस की जो जनरल वर्किंग होती है, गुड़िया हेल्पलाइन इत्यादि के बारे में बताया है और साथ में नारकोटिक्स के बारे में भी इनको बताया और किस प्रकार से जो है समाज के लोगों को मिलकर के पुलिस के साथ उसमें काम करना चाहिए ताकि इस बुराई से समाज को बचाया जा सके। जो कि जो क्वेरीज थे, क्वेश्चंस थे, उनको भी हमने एड्रेस किया है और मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो हैं जो बातें इनको बताई गई हैं पुलिस वर्किंग के बारे में और ड्रग्स पे, उस पर उन्होंने ध्यान से देंगे और जो है समाज को भी इसके बारे में शिक्षित करेंगे।